फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर न्यू वीडियो। आई होप फ्रेंड्स आप लोग जमा भी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो फिर से आ गई हूँ एक नया सा प्यारा सा टॉपिक लेके फ्रेंड्स। तो आज ना मैं जा रही हूँ फरा बनाने, और फरा की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। कि फरा तो मैं पहले भी शेयर कर चुकी थी, जैसा कि मैं आज बिहार के फेमस डिश फरा, जो बिहार में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं और हमारे यूपी में भी लोग बनाते हैं, तो मैं सोची कि चलो आज मैं उसी की रेसिपी शेयर करती हूँ। तो फरा फ्रेंड्स, पहले मैं बता दूँ आप लोगों को कि फरा तो जैसे हम चने का दाल का भी बनाते हैं, उड़द की दाल का भी, मूंग की दाल का भी, तो ये सब चीज़ों का फरा बनता है। तो मैं उड़द की दाल का तो मैं ठंडी में ही शेयर कर दी थी, और आज मैं ना आप लोगों के साथ चने की दाल की फरा शेयर करने वाली हूँ। जैसे हमारे तरफ जो है, हमारे जौनपुर में ज़्यादातर लोग चने की दाल की फरा नहीं बनाते हैं और उड़द की दाल का ही फरा बनता है हमारे यहाँ। तो आज मैं सोची कि चलो क्यों ना मैं चने की दाल की फरा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जो कि रियल में बताऊँ इतना ज़्यादा टेस्टी होता है खाने में ना कि पूछे मत। और क्योंकि जैसे हमको ये पता चलता है ना कि जैसे जो हमारे पीएम हैं हमारे घर में इतना नौटंकी दिखाते हैं खाने के पीछे ना कि पूछिए मत। तो सभी को तो मान लीजिए सब कुछ आप खिला सकते हैं, लेकिन प्रियम एक हमारे घर में ऐसा शख्स है कि आप उसको कुछ भी, अगर उसके मनपसंद चीज़ नहीं है तो आप उसको कुछ भी नहीं खिला सकते हैं, चाहे जो हो। तो एक फरा मैं इस बार बनाई ना, तो मैं प्रियम को ज़बरदस्ती दे दी कि चलो तुम थोड़ा सा खाओ और टेस्ट करो कि तुम बताओ कि कैसा बना है। तो टेस्ट किया तो फरा कैसा बना था, अच्छा बना है ना। तो अब मैं बना ले जा रही हूँ फ्रेंड्स। तो चलिए अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वही रेसिपी जो मैं बनाई हूँ, और वीडियो में बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा। और आई रिक्वेस्ट हूँ फ्रेंड्स कि जो भी चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारा आने वाला हर एक प्यारा प्यारा वीडियो ब्लॉग आप लोग देख सकें। और वीडियो शुरू करने से पहले एक लाइक कर दीजिए, लाइक करने में कुछ नहीं जाता है फ्रेंड्स। मैं बार बार यही बोलती हूँ कि प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिए, आपके एक लाइक से हम मोटिवेट होते हैं, हमें प्रोत्साहन मिलता है कि हम अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करें। और चलिए अब शुरू करते हैं। और उससे पहले फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक बहुत ही क्यूट सी, बहुत ही प्यारी सी चीज़ मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, जो कि हमारे घर में आया प्यारा मेहमान, और बस बहुत प्यारा लग रहा है, बट उसको मुझे भेजना पड़ेगा किसी रीजन के कारण। तो चलिए पहले मैं मिलवाती हूँ, फिर आप लोगों से बताती हूँ आप लोगों को कि क्यों मैं उसको वापस करूँगी। तो आज देखिए मेरे आँखों में भी प्रॉब्लम होने लग रही है, जैसे लग रहा है कि आँख में दर्द हो रहा है, और प्रियम की आँखों में परेशानी है दो दिन से, और आज देखिए मेरे में भी इस टाइम जैसे लग रहा है कि परेशानी आ रही है। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ और उस मेम्बर से मिलवाती हूँ, फिर मैं किचन में चलती हूँ और आप लोगों को अपने फरे की रेसिपी को शेयर करती हूँ। तो चलिए आगे बने रहिए वीडियो में। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, जो है प्यारा सा हमारा क्यूट सा बेबी पप्पी आया है, आज ही आया है, ये प्रियम के जिद से आया है। और देखिए कितना छोटा सा और कितने आराम से ये सो रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है, बट इसको मुझे वापस करना है। अभी न्यू बॉर्न बेबी है ये पप्पी, तो क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा प्रॉब्लम है इन सब चीज़ों से, और मुझे पसंद भी नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से घर में गंदगियाँ भी बहुत ज़्यादा होती हैं, और मेरे पास बहुत जिम्मेदारियाँ हैं सबकी, और एक इसकी भी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, तो इसलिए मुझे प्रॉब्लम होगी इसको रखने में। और बच्चे बस शौक़ बस ले आए हैं, सोचे थे रखेंगे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा छोटा है, इसकी वजह से मुझे वापस करवाना पड़ेगा इसको। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को मिलवाऊँ। ये ना प्रियम की जिद से आया है, किसी का मन नहीं था, लेकिन प्रियम जिद की वजह से लाया ये ख़रीद के, लेकिन बहुत छोटा है, तो इसको मैं वापस करवाऊँगी शाम को। तो चलिए मैं किचन में आप लोगों को दिखाती हूँ आज की रेसिपी, और प्लीज़ वीडियो में बने रहिए। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, चना की दाल को मैंने फरा बनाने के लिए इसको मैं भिगो के रख दी थी, इसको कम से कम आप 3-4 घंटे के लिए भिगो के रख दीजिए, और इसको मैं अच्छे से वाश कर ली हूँ। और ये देखिए चना का दाल हमारा अच्छे से वाश हो चुका है। तो चलिए मैं इसको अब क्या करूँगी कि ग्राइंडर में पीसूँगी, और इसके साथ मैं ली हूँ कुछ मसाले, कुछ लहसुन की कलियाँ, और 1 चम्मच जीरा, और थोड़ी सी काली मिर्च और हरा मिर्च, और अदरक का टुकड़ा मैं ले ली हूँ। आप चाहे तो इसमें लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको पहले ग्राइंड कर लेती हूँ चने के दाल को। तो पहले चने के दाल को फ्रेंड्स ना हमें इसको क्या करना है कि पानी नहीं डालना है, 1 चम्मच पानी आप इसमें ज़्यादा डाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा पानी मत डालिएगा, 1 चम्मच के लगभग पानी डाल दीजिए, और इसको चम्मच से चलाते हुए थोड़ा सा तरबरा पीस लेना है हमें,
और देखिए हमारा जो है चना का दाल पीस चुका है, इसको मैं पीस चुकी हूँ और इसी में अब क्या करूँगी कि इसी के साथ चलिए अब मैं मसालों को इसी ग्राइंडर में पीस लेती हूँ। जो मसाले हैं ना हमारे, तो इसी ग्राइंडर में मैं पीस लूँगी। तो चलिए पहले मैं मसालों को पीस लेती हूँ। तो यहाँ देखिए फ्रेंड, जो है हमारा मसाला पीस के तैयार है और देखिए गरबरा मसाला हम पीस लिए हैं। तो इसको हम इसी में मिक्स कर देंगे, अच्छे से मिला देंगे मसाले को। और ये हमारा चने का दाल और मसाला हमारा मिक्स हो चुका है। तो चलिए अब हम इसको क्या करेंगे कि आटे को गूंथ लेते हैं परा बनाने के लिए। तो आप इसको चाहे गेहूं के आटे में या फिर चावल के आटे में आप इसको बना सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास चावल का आटा नहीं था, तो मैं गेहूं का आटा ली हूँ और इसमें मैं कुछ नहीं मिलाऊँगी, सिर्फ इसमें एक चम्मच इसमें मैं नमक ऐड कर रही हूँ। और आपके पास अगर चावल का आटा है तो आप चावल के आटे को आटे में बनाइए, वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। और ये मक्के के आटे में भी बनता है फ्रेश। तो गेहूं और मक्के का आटे को मिक्स करके आप बनाएंगे तो भी अच्छा लगेगा। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जहाँ यहाँ देखिए हम गेहूं के आटे को नॉर्मल पानी से गूँथ रहे हैं और आपका चावल का आटा है तो आप गुनगुना पानी से इसको गूँथिए। तो यहाँ देखिए हमारा आटा जो है गूँथ के तैयार है। तो इसको मैं 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए ढक के रख दे रही हूँ ताकि हमारा आटा जो है अच्छे से सेट हो जाए। तो चलिए बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो यहाँ मैं ली हूँ फ्रेंड्स एक कढ़ाई और इसमें मैं डाल दी हूँ पानी। और चलिए अब मैं फरा बनाती हूँ और इसी के साथ मैं पानी में ही डाल रही हूँ मैं 2 चम्मच इसमें रिफाइंड। और आगे का प्रोसेस देखते रहिए आप ना, इसको चाहे तो भाप से भी पका सकते हैं और कुकर में भी पका सकते हैं। तो यहाँ मैं भाप से नहीं पका रही हूँ, मैं यहाँ कढ़ाई पैन में पका रही हूँ। तो देखिए हम जो है चने के दाल में मैं डाल दे रही हूँ नमक। टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं इसमें नमक 1 चम्मच मैं डाल दी थी और इसको अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ। पहले मुझे नमक नहीं डालना है क्योंकि पानी छोड़ने लगता है फ्रेश, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए पहले मैं अब फरे को बनाती हूँ। और ना आप अगर जैसे भाप से बनाना चाहें तो इसके ऊपर जैसे कढ़ाई के ऊपर एक जाली रख के उसको उसमें बनाइए, बनता तो है फ्रेंड्स, लेकिन ये है ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है वो, और ये हम झटपट बनाने के चक्कर में है तो इसलिए मैं इसमें ऐसे बना रही हूँ। इसमें बनाने से ऐसे इस तरीके से बनाते हैं ना हम तो बहुत अच्छे से पक जाता है हमारा फरा। तो यहाँ देखिए आप चाहें तो बिना बेलन के बेले ही इस तरीके से लोइयाँ बना के रोटियाँ आप इसमें मसाले को ऐड करके आप इसको इस तरीके से आप फोल्ड कर दीजिए। तो यहाँ देखिए हमारा जो है फरा इस तरीके से आप फोल्ड कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके मुंह को पूरा बंद कर दीजिए, नहीं तो ऐसे खुला ही रखिए। और खुला रखने पे क्या होता है, हमारी दादी मम्मी से मैं सीखी हूँ ये चीज़ कि इसको ऐसे होता है ना तो इससे बहुत अच्छे से पक जाता है और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा लगता है खाने में। तो आप एक बार ज़रूर इस तरीके से ट्राई करिएगा और आपको पता चलेगा कि हाँ कैसा होता है। तो चलिए मैं आपको एक बेल के दिखाती हूँ कि जैसे इस तरीके से हाथों से लोइयाँ बना के भी आप बना सकते हैं और इसको बेल के भी बना सकते हैं। तो चलिए मैं रोटियों को पहले पूड़ियों को बेल लेती हूँ। तो यहाँ देखिए मैं जो है पूड़ियों को बेल ली हूँ। अब इसमें मैं डाल रही हूँ स्टफिंग के लिए वही चने का दाल, तो इसको उसी तरीके से मैं फोल्ड कर ले रही हूँ। तो इसी तरीके से हमें सारे फरे को फोल्ड करना है, आप इस बात को ध्यान में रखिए। अब आप चाहे तो देखिए इस तरीके से आप मोड़ भी सकते हैं इसको और इसको आप खुला भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ खुला रख रही हूँ इसे और ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा फरा बन के तैयार है पूरा। तो चलिए अब हम आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए अब हमारा जो है पानी जो है बॉयल होने लगा है और अब मैं जब पानी बॉयल होने लगे तभी आप इसमें डालिए फरा। तो आप ना इसमें डाल दीजिए और इसको अच्छे से ढक दीजिए, मतलब कि 15 से 20 मिनट तक मीडियम फ्लेम में। तो देखिए हम सारे फरे को एक साथ डाल दिए हैं और इसको मीडियम फ्लेम में इसको मैं ढक के रख दे रही हूँ 15 से 20 मिनट तक। और यही अगर आप भाप से पकाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। आप कुकर में बनाएंगे अगर तो 3-4 सीटी ले लीजिएगा मीडियम फ्लेम में तो भी बहुत अच्छे से बन जाता है। तो यहाँ देखिए मेरा फरा जो है पक गया था, तो मैं निकाल के इसको कॉटन से मैं इसको पोंछ ली हूँ। इसके पानी जो है अच्छे से ड्राई हो चुके हैं, मैं पोंछ ली हूँ। तो चलिए इसको आप ऐसे ही खा सकते हैं और इसको और भी चटपटा और स्पाइसी अगर बनाना हो तो इसमें थोड़े से तड़के लगा दीजिए तो इसका स्वाद 2 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ फ्रेंड्स मैं डाल दे रही हूँ थोड़े से मस्टर्ड ऑयल और इसको मैं अब तड़का लगाऊंगी, इसको फ्राई करूंगी। तो उसमें फ्राई करने के लिए मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून राई और इसी के साथ 1 टीस्पून जीरा
और इसी के साथ थोड़े से कड़ी पत्ते, आप पास कड़ी पत्ते हैं तो ज़रूर ऐड करिए। और इसमें अब मैं डाल दे रही हूँ, जब हमारा राई और कड़ी पत्ता जीरा सब पक जाए तो इसमें आप फरे को आप चाहे तो इसको पीसेस में काट के इसको फ्राई करें या तो फिर ऐसे ही फ्राई करें, तो मैं पीसेस में नहीं काटी हूँ। और इसी के साथ आपके पास अगर चाट मसाला है तो चाट मसाला ऐड करिए, नहीं तो मैंगो पाउडर यानी कि अमचूर पाउडर आप इसमें ऐड करिए। इससे चटपटा सा खट्टा तीखा स्पाइसी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार हो जाता है फ्रेंड्स। और आप इसको सब्ज़ी के साथ, चटनी के साथ, मूँगफली की चटनी के साथ, हरे धनिया की चटनी के साथ, दही के साथ सर्व करिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैं मूँगफली की चटनी के साथ सर्व करी हूँ। आई होप कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो, तो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ फ्रेंड्स। गुड बाय, सी यू, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।